आपको बताएंगे दिल्ली सहित देश के तमाम इलाकों में बारिश का हाल। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। कल कुछ घंटों दिल्ली में हुई बारिश का असर अभी तक देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण दिल्ली वालों को गर्मी से काफी राहत मिली है और मौसम सुहारा हो गया है, लेकिन दिल्ली के प्रमुख एरिया आईटीओ सहित कई इलाकों में आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसके कारण सफर में भी दिक्कत हो रही है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी कई जगहों पर सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कुछ इलाकों में आवाजाही को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हमारा भी आपसे बस यही अनुरोध है कि बारिश के दौरान शहर से निकलने से बचे। सफर करना जरूरी हो तो कार या बस के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में फंसने की आशंका रहती है। हालांकि नगर निगम और एमसीडी की ओर से सड़कों पर जमा पानी को निकालने और सीवर में भेजने के उपाय लगातार किए गए हैं। जगह जगह मोटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल से आज तक इतना ज्यादा बारिश हुई है कि पानी को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। तो आप सफर में जरूर सावधानी बरतें। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है, पानी भर गया है, सड़कें जो हैं वो पानी में लबालब जो हैं दिखाई दे रही हैं, और जिसके कारण ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो भी धीमी हो गई है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियां बिल्कुल रेंगती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने आईटीओ चौराहे की आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पानी भरा है। तो बारिश को लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ग्राफिक के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से जो है बारिश का जो है अलर्ट डे मनाया जा रहा है। दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, और दिल्ली में आज स्कूल कॉलेजेस की भी छुट्टी कर दी गई है, बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में उड़ानों पर भी इसका काफी असर हुआ है। 10 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है। कई जगहों पर सड़कों पर जो है पानी भर गया है। सुबह भी दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव हो गया था। आज भी कई जगह जाम जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में सफर अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। आईटीओ के आसपास सड़क पर काफी जलभराव हो गया है, तो वहां जाने से बचें। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है ये एडवाइजरी कि अगर जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। बारिश के दौरान मेट्रो का खास तौर से इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले, वरना कार का इस्तेमाल कम से कम करें और जरूरत पड़ने पे ही अपने घर से बाहर निकलें, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। तो दिल्ली में लगातार कल रात से बारिश हो रही है और आज भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा हमसे जुड़ रही हैं। मनीषा, क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए किस तरह से कल बारिश के कारण जो है काफी जगह जल भराव जो है वो लगातार हो रहा है, किस तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। गीतिका, हम सुबह के वक्त हमने आईटीओ की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से कल बारिश होने के बाद जो है जल भराव की स्थिति थी, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। हम ठीक राव इंस्टीट्यूट के बाहर है और यहाँ पे जल भराव की समस्या की वजह से ही 3 छात्रों ने अपनी जान दी थी, लेकिन अब जो है एमसीडी एक्टिव मोड में जो है नजर आ रही है और यहाँ पे जितना भी जो अतिक्रमण का जो कार्य है वो लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ की जो समस्या थी वो यही थी कि नालियों के ऊपर जो है ये लाइब्रेरियां बनी हुई थी, बेसमेंट जो है बना रखे थे इन्होंने, सब ये इलीगल तरीके से इन नालियों के ऊपर बना रखा था, जिसकी वजह से पानी जो है वो नीचे जा नहीं पाता था और पानी जल भराव की समस्या लगातार बनती थी। उसकी वजह से अब जो है एमसीडी के बुलडोजर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहां पे अब 2 बुलडोजर एमसीडी के, साथ ही साथ अन्य मशीन जो है एमसीडी की यहाँ आ गई है और लगातार एमसीडी एक्टिव मोड में दिख रही है। आप देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति, क्योंकि कल जो बारिश हुई राहत तो जरूर है लेकिन आफत भी अपने साथ लाई, और आफत ऐसी कि जगह जगह दिल्ली के इलाकों में इस तरीके का हाल है।
है वो नजर आ रहा है। लोग जो सुबह ऑफिस दफ्तर जाने वाले थे उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, एक एक फीट तक घुटनों तक जो है पानी भरता नजर आया। लेकिन अब अगर हम राजेंद्र नगर की स्थिति की बात करें तो एक्टिव मोड में जो है निगम के जितने भी अधिकारी है जो कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से नालियां साफ की जा रही है। अब आप देखो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मलबा बाहर आ रहा है नालियों से गीतिका, वो कितना जरूरी था। इन्हीं की वजह से जो है इतनी जल जमाव की जो स्थिति थी वो हुई और उस वजह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो चीज था ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आपको हम सिर्फ दिल्ली का एक इलाका दिखा रहे, ऐसे तमाम इलाके हैं, तमाम इलाकों की तस्वीरें जहाँ पे तमाम मैन होल्स है, पानी भर गया, लोगों की जान को कहते हैं ना, जान को वो आफत देना, एकदम दावत देना, वही वाली जो स्थिति है वो लगातार बनती दिखी। लेकिन अभी ये इलाका इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में ये स्थिति यहाँ की, अभी भी पीछे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बच्चों का, छात्र जितने भी है उनका जो है अभी भी यहाँ पे प्रदर्शन है, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो एक दिक्कत इनकी जो थी जल जमाव और जो भी अतिक्रमण यहाँ पे हो रखा है, मनीषा आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली और NCR में अगर लोगों को बारिश से राहत मिली है तो कहीं ना कहीं ये बारिश जो है उनके लिए आफत लेकर भी आई है। और आज मौसम जो है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी भारी बारिश जो है वो लगातार बनी रहेगी। तो आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है, आज भी बारिश का अलर्ट है, क्या कोई मौसम विभाग से किसी प्रकार की कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गीतिका, मौसम विभाग ने पहले ही जो है दिल्ली NCR में मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार जो है 3-4 दिनों का अलर्ट जारी किया था और इसी तरीके से जो है अभी ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। बेशक चाहे रुक रुक के बारिश होगी लेकिन मौसम इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से सुहाना रहने वाला है। लोगों को जो है राहत बेशक अब मिल गई है और आने वाले जो वीकेंड तक है हमारा इसी तरीके से मौसम रहेगा। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें वहां पे भी लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और दिल्ली NCR में भी इसी तरीके का जो है मौसम वो रहने वाला है। लेकिन राहत और आफत दोनों ही है, राहत तो हमें चाहिए थी, दिल्ली का हर एक शख्स जो है वो इंतजार कर रहा था क्योंकि उमस इतनी थी, इतनी गर्मी थी, लोग परेशान हो गए थे कि कब वो बारिश आएगी, कब वो सुकून का पल महसूस होगा, कब बारिश से वो जो सुकून की राहत जो बौछार होती है वो कब बरसेगी। वो आखिरकार बरसी तो सही लेकिन आफत भी लेकर आ गई और आफत इस तरीके की कि आज जो है बच्चों के स्कूल जाने के लिए स्कूल की तरफ से ये एडवाइजरी भी आ गई कि आज बच्चों को स्कूल ना भेजे क्योंकि आज भी जो है वो भीषण बारिश का अलर्ट है और इसी तरीके से जो है वो लगातार आज बारिश होगी और जल जमाव की स्थिति आप देख सकते हैं। आप खुद ही टेलीविजन में हम लगातार अपने दर्शकों को जल जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके की जल जमाव की स्थिति है, तो वो अभी लगातार इसी तरीके से रहने वाली है। कहीं ना कहीं अगर हम माने तो इसके अंदर हम भी कहीं ना कहीं कसूरवार है क्योंकि हम भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी पीकर, खाकर जितना भी वेस्ट होता है ना वो फेंक देते हैं और वो सीवेज में जाके जम जाता है जिसकी वजह से जो ये जल जमाव की स्थिति होती है वो उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है सभी लोगों को कि इस तरीके की चीजें ना आए क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं हम लोगों को ही उस चीज का उठाना पड़ता है, भरपाई हमें ही करनी पड़ती है। तो किसी की जान को आफत ना आए इस तरीके का हम कभी कुछ ऐसा काम ना करें। लेकिन अगर मैं बात मौसम की करूं तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धूप जैसी चीज नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे अगर आप देखो दिखाऊं मैं अपनी दूसरी तरफ तो बच्चे यहाँ पे किस तरीके से गर्मी में प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ी सी राहत ये कि मौसम अच्छा है, इनका इंसाफ, इनकी इंसाफ की जो लड़ाई है, बच्चों की, छात्रों की जो मांग है वो लगातार जारी है। बट सुकून जरूर है, राहत जरूर है और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के सीवेज की तो वो भी साफ करने का काम जो है MCD फाइनली जो है वो एक्टिव मोड में आई है। हम यही सोचते हैं अगर काश दिल्ली के जितने भी निगम कर्मचारी अगर वो पहले से कर्मचारी जो है वो पहले से इस तरीके से एक्टिव मोड में रहे, अब कंटिन्यूसली रेगुलर वे में जो है मॉनिटरिंग की जाए, साफ सफाई करी जाए तो इस तरीके की जो स्थिति है ना वो देखने को ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं कसूरवार हम सब है और आप देख सकते हैं कि अब किस तरीके से एक्टिव मोड में जो है MCD नजर आ रही है। मेरे दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो MCD के बुलडोजर और जो मशीन है, अन्य मशीन जो है अपने काम में लगी पड़ी है। लगातार यहाँ पे जो है सीनियर अधिकारी जो है वो यहाँ पे अपडेट ले रहे हैं कि किस तरीके का काम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मलबा किस तरीके से निकाला जा रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की।
बिल्कुल मनीषा, वो तो देख ही सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से साफ दिख रहा है कि किस तरह से प्रशासन जो है वो भी अपने काम में जुटा हुआ है। लेकिन बारिश से जो है राहत मिली है, साथ ही साथ लगातार बारिश से जो ट्रैफिक की स्थिति है ना वो भी बहुत खराब हो गई है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। और इसीलिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर कोई जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकले, वरना आप घर पर ही रहिए। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी भी इसी वजह से कर दी गई है क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। तो फिलहाल ट्रैफिक की क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल गीतिका, अगर मैं आपको सुबह आईटीओ की बात करूं तो आईटीओ में एक तरफ का जो है रूट बंद कर दिया गया था, बैरिगेट्स लगा दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे जो हमने सुबह की तस्वीरें दिखाई थी आईटीओ से, पानी 1 फीट तक घुटनों तक भरा हुआ था और वो ट्रैफिक की वजह बनती। तो इसलिए जो है ट्रैफिक एडवाइजरी बिल्कुल जारी हुई है कि आप अगर रास्ते में भी निकले तो जरा आगे जो आगे पीछे लोग चल रहे उनका भी ध्यान रख के चले, गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखे, जिस तरीके से जो है पानी इधर से उधर ना बहे और ज्यादा फ्लो उनका ना बहे। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रैफिक एडवाइजरी की तो ये चीज उन्होंने कुछ रूट जो है वो डाइवर्ट किए पूरे पूरे दिन के लिए, नहीं कुछ कुछ देर के लिए, जब लगता है कि हाँ अब जो है ट्रैफिक जैसी समस्या हो सकती है तो उसको ध्यान रखते हुए बैरिगेट्स लगाए जा रहे हैं, रूट को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेड लाइट्स पे रोका जा रहा है। तो अभी अगर मैं बाकी इलाकों की बात करूं तो सभी, आप चाहे वेस्ट दिल्ली ले लीजिए, अपना सेंट्रल ले लीजिए, सभी दोनों ही तरफ जो है इसी तरीके की जो है पुलिस ने एडवाइजरी की है। साथ ही साथ जो है आधा जो ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कॉलेज और स्कूलों की छुट्टी रहने से जो है सड़कों पे थोड़ा कम नजर आ रहा है क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो पीक टाइम था, पीक आवर्स है, उस वक्त लोग जो है अपने दफ्तर से दफ्तर के लिए निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो तब जो है सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इसलिए सुबह के वक्त जो है एडवाइजरी थी कि थोड़ा रूट डाइवर्जन किए जाएंगे और ये दिन भर रहेगा क्योंकि अब जो है रात शाम होते होते फिर ये समस्या होगी और बारिश का क्या है, बारिश अभी फिर आएगी, इसी तरीके से बारिश रुक रुक के होगी। तो इस तरीके की जो रूट डाइवर्जन है थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी तरफ से कर रही है ताकि किसी तरीके की जो जाम की स्थिति है, क्योंकि जाम एक ऐसी चीज है जिसमें लोग घंटों घंटों फंसे रहते हैं। आपने मनीषा, जाम ऐसी चीज है जिसमें लोग जो है घंटों फंसे रहते हैं और उसके बाद भी उनको निजात नहीं मिलता है। तो दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, हमारी संवाददाता मनीषा ने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ये जो बारिश है वो राहत के साथ आफत भी लेकर आई है। शुक्रिया मनीषा आपका बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और दिल्ली के बाद अब जयपुर का रुख करते हैं। भारी बारिश के कारण राजस्थान की राजधानी जयपुर भी पानी पानी हो गई है। आपको दिखा रहे हैं जयपुर में बारिश के बाद की तस्वीरें। देर रात आई बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट के बाहर पानी भर गया था और बारिश का पानी एयरपोर्ट के अंदर तक चला गया। इतना ही नहीं, जयपुर में बारिश के चलते शहर की सड़कें, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल सभी दरिया बन गए थे। कच्ची बस्तियां भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। हालात ये हैं कि सिविल डिफेंस की टीम को मोटर का इस्तेमाल करके घरों से पानी निकालना पड़ रहा है। बारिश के दौरान जयपुर के एक इलाके में सड़क भी धस गई है और उसमें एक स्कूल बस फंस गई है जिसके चलते स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में पानी भरने से बड़े हादसे की खबर है। वहां प्रशासन पानी निकालने का काम लगातार जो है वो कर रहा है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जयपुर की सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं और सड़कों पर पानी जो है वो बुरी तरह से भर गया है। यातायात में जो है वो बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ियां रिंग रिंग कर चल रही हैं और एयरपोर्ट की तस्वीर भी कुछ इस तरह से ही दिखाई दे रही है जहां एयरपोर्ट में पानी भर गया है। और ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरह से भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। जयपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है, देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर ये वीकेआई का इलाका है, ये बस है, बस खराब पड़ी हुई है, इस तरह से गाड़ी जो है वो फंसी हुई है और यहाँ से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इधर अगर देखें तो ये भी बस सारे बंद पड़े हुए थे, रात को इतनी भारी बारिश आई है जिसकी वजह से यहाँ पर जल जमाव हो रखा है और हालांकि पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी है मगर गाड़ियां जो है जगह जगह से यहाँ पर बंद पड़ी है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। और पुलिस वालों से बातचीत करते हैं, ये कितनी गाड़ियाँ खराब हो रही है यहाँ पर? अभी तो 4 तो बड़ी बसें खड़ी थी, 2-3-4 तो हटवा दी हमने, अभी वो क्रेन चालू है, क्रेन वो लेके आ रहा है, इसमें गाड़ियाँ करीब 8-10 गाड़ियाँ हटवा दी हमने करीब करीब। सुबह बहुत गाड़ियाँ खराब थी, करीब करीब से भर गई है। ये रात को बारिश की वजह से ये सब हुआ है? जी सर, रात भर बारिश हुई ना, उससे हुआ। रात भर बारिश की वजह से जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर जल जमाव और गाड़ियां बंद होने की वजह से बसें खड़ी हुई है
और ये कमोबेश स्थिति पूरे जयपुर शहर की है, जहां पर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कई जगह से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लोग फंसे हुए हैं मकानों में। ये रात भर जो भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से सुबह सुबह ये स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 अगस्त के बाद राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन जो है मौके पर मौजूद है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। शरद कुमार, जयपुर। हम दिनों दिन बारिश का इंतजार करते हैं, उमस भरी गर्मी में आसमान को तकते रहते हैं, लेकिन क्या बारिश होने के बाद हमें राहत मिल जाती है या फिर नए तरीके की चुनौतियां शुरू हो जाती हैं? असल में बारिश का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ घंटों में ही इतनी बारिश हो जा रही है कि कई दिनों का कोटा पूरा समझो, मगर कॉन्क्रीट की सड़कों में पानी धरती में नहीं समा पाता, जिससे जल जमाव की समस्या खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि बीती शाम से शुरू हुई बारिश से दिल्ली NCR तरबतर हो गया। संगम नगरी प्रयागराज का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। इसी तरह सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे लोगों का घूमने का प्लान बारिश ने धो दिया, क्योंकि इतनी तेज बारिश में होटल्स बाहर निकलने का रिस्क लेना ठीक नहीं माना जाता। राजस्थान के धौलपुर में भी खूब बादल गरजे और बरसे भी। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पहले से बारिश का दौर लगातार जारी है। तो उत्तराखंड में भी जमकर बादलों की मनमानी चल रही है। आपको दिखाते हैं टिहरी की तस्वीरें। टिहरी में बादल फटने से सैलाब आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात जो हैं यहां बन गए हैं। ऐसे हालात में वहां फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। बचाव दलों के जवान इलाके में फंसे लोगों को लगातार निकालने में जुटे हैं और सुरक्षित जगहों पर भी उनको पहुंचाया जा रहा है। ये तो टेम्परेरी ब्रिज है जो हम मंगा रहे हैं ऋषिकेश से, 5 to 7 days में इसको हम रेडी कर। पानी मुख्यमंत्री जी से लगातार वार्ता हो रही है और पानी मुख्यमंत्री जी ने हमको रिलीफ एंड जो भी हमारा अभियान है उसको तेज करने के लिए भी निर्देशित किया है और उनके द्वारा बताया गया कि वो शीघ्र यहाँ का निरीक्षण भी करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आज के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। एहतियातन यात्रियों को सुरक्षित जगह ठहरने को कहा गया। असल में रामबाड़ा से लिंचोली के बीच कई जगह पैदल यात्रा मार्ग टूट गया है। वहां मंदाकिनी नदी के ऊपर बने 2 पुल तेज बहाव में बह गए। हालांकि ये पुल पुराने पैदल मार्ग पर बने हुए थे। इन पुलों का इस्तेमाल कुछ यात्री और घोड़े खच्चर वाले शॉर्टकट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग के पास भी सड़क को नुकसान पहुंचा है। हालांकि यात्रा के दौरान लोगों की मदद के लिए वहां SDRF और उत्तराखंड पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी उफान में आ गई और कई दुकानें ध्वस्त हो गई। इसके अलावा रामबाड़ा में जो केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 पुल थे, वह भी नदी की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि गौरीकुंड स्थित घोड़ा पड़ाव और शटल पार्किंग को भी नुकसान पहुंचा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को जोड़ने वाला केदारनाथ हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है काफी विकराल रूप धारण करके बह रही है। इसी मंदाकिनी नदी ने कल रात केदार घाटी में जमकर तूफान मचाया है। और उत्तराखंड के बाद अब खबर हिमाचल की। हिमाचल के शिमला की रामपुर तहसील, मंडी जिले की पधर तहसील और कुल्लू के गांव जाओन निर्मण में बादल फटने से 50 से अधिक लोग जो है वो लापता हो चुके हैं और तलाश लगातार जारी है। CM के अनुसार NDRF, SDRF, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हैं। खोज और बचाव कार्य लगातार जो है वो जारी है। स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। CM ने बताया कि अधिकारियों से संपर्क में हूं और राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो रामपुर में हो रही है कार्रवाई और ये तस्वीरें शिमला की, आप देख सकते हैं कि कैसे हिमाचल में भी लगातार बारिश हो रही है और राहत बचाव का काम जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है। और इस बात की जो है वो खुद CM ने बताया कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिमाचल में लोग जो हैं लापता लोग, उनकी तलाश लगातार जारी है और NDRF SDRF की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू में
जमीनी तौर पर लगातार जुटी हुई हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके की कुछ तस्वीरें। मंडी इलाके में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है, इसके चलते इलाके में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं ये भी बता दें कि मंडी के थल ठुकोड़ में बादल फटने की घटना में 9 लोग लापता हो गए हैं। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन के बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़, बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच राहत और बचाव टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फट गया तो यूपी के प्रयागराज का एक थाना पानी पानी हो गया, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। सैलाब की ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर बादल फट गया, जिससे चकनियाली गांव में एक मकान इसकी चपेट में आ गया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से भारी बारिश के चलते चकनियाली जो नौतार गार्ड है, नौतार जो गदेरा है, पूरी तरह उफान पर आ गया है। लगातार 3 घंटों की हो रही भारी बारिश के चलते घनसाली केदारनाथ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग चकनियाली के पास पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। इस हादसे के बाद वहां एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों की टीमें अपने काम में जुट गयी। इस आपदा से सड़क मार्ग और पानी की लाइन को काफी नुकसान पहुंचा, साथ ही रात होने की वजह से जिला प्रशासन और दूसरी टीमों के जवानों को राहत और बचाव काम में काफी अड़चने आई। जैसे ही सूचना मिली कि यहां पे बादल फटा है नौताड़ जखनाली के नौताड़ गदेरे में, तो हम तुरंत वहां पे एसडीआरएफ टीम और राजस्व कर्मी और पुलिस टीम के यहां पे पहुंचे। पहाड़ों में बारिश से हो रहे ऐसे हादसों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देर रात आपदा प्रबंधन सचिव से फोन पर बात की और राहत बचाव के कामों की जानकारी दी। क्या नाम, कितनी बारिश वारिश हो रही है सुमन जी? देखिए जो कहीं पर अगर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कहीं कुछ भेजना हो तो देख लीजिए ना। उत्तराखंड ही नहीं, बारिश ने हरियाणा के झज्जर में भी हालात बाढ़ जैसे बना दिए। इस दौरान बाइक और दूसरे वाहनों को सड़क पर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच यूपी में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में पानी भर गया, जिससे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी हुई। वहां थाने के अंदर भी घुटनों तक पानी देखने को मिला। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस बीच महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कई इलाकों में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, लिहाजा गांव में पानी का सैलाब सा आ गया। कहा जा रहा है कि इस बारिश से किसानों की काफी फसल भी खराब हुई है। यानी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव एजेंसियां अपने काम में जुटी हैं। जाहिर है इन मुश्किल हालात का सतर्कता और सावधानी से सामना करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, वाशिम से जका खान, धौलपुर से उमेश मिश्रा और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और लहरें इंसानी हौसले का इम्तिहान ले रही हैं। केरल के वायनाड में कुदरती आपदा के बाद से राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों को इस कुदरती आपदा के बाद से बचाया गया। ऐसे सभी लोगों के लिए अलग अलग 45 कैंप बनाए गए हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। एक तरफ कैंप में ठहरे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सेना और दूसरी एजेंसी लगातार मलबे के ढेर में जिंदगियां तलाशने में जुटी हैं। इंसानी जान बचाने के लिए जवान कई चुनौतियों से लोहा ले रहे
रहे हैं। वायनाड में हादसे वाला इलाका दूर तक फैला हुआ है, ऐसे में अंदर तक पहुंचने के लिए स्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, इसलिए जिंदगी बचाने का महामिशन जो है इसको कहा जा रहा है। केरल के वायनाड में मिशन जिंदगी का आज तीसरा दिन है। सभी की निगाहें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसीज पर लगी हैं। पीड़ित परिवार ही नहीं, पूरा देश उम्मीद का दामन थामे है कि वहां से कुछ राहत की भरी जो है वो खबर आएगी। वैसे वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी भी आज वायनाड पहुंच रहे हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी। कुदरत की बेरुखी के बीच केरल के वायनाड में मिशन जिंदगी जारी है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव के काम में जुटी हैं। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर 45 रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार के अनुसार अब भी 180 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव में जुटी एजेंसियां प्रभावितों तक पहुंचने में जुटी हैं। भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में वायनाड के चार गांव मुंडकई, चुरलमला, अट्टमाला और नूलपुछा पूरी तरह तबाह हो गए थे। तीनों सेनाओं ने इस राहत और बचाव ऑपरेशन में अपने जवानों और तकनीकी विशेषज्ञों को लगाया हुआ है। मैं मुंडकई पे पास हूँ, ये यपिक सेंटर है जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ। आप देख सकते हैं कपड़ा, शूज, प्लेट्स, गैस स्टोव सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे थे और आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू है। चुरलमला और मुंडकई गांव को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश में बह गया था। मुश्किल हालात में सेना अस्थायी पुल बनाकर लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने में लगी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। देख सकते हैं जो ब्रिज है उसको बनाने के लिए कितना तकलीफ हो रहा है, पानी बहुत तेज से चल रहा है, मगर इंडियन आर्मी इस काम पे लगे हुए जहां पे ये लोग उनका ब्रिज बना सकते हैं और लोगों को उस तरफ भेज सकते हैं। जाहिर है राहत और बचाव के काम में और तेजी लाई जा रही है। त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु से सेना की कई कंपनियों को कालीकट मूव किया गया है। केंद्र और बाकी राज्यों से भी मदद केरल तक पहुँचाई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए लगातार मंथन जारी है। आज भी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है इन तमाम कोशिशों का असर होगा और जल्द ही यहां जिंदगी पटरी पर लौटेगी। वायनाड से सगय राज और शिवी मोल केजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।